गाइस गुड मॉर्निंग। आज ब्रेकफास्ट करके कल मैं गया था कामाख्या, तो एक्चुअली वहाँ पे मुझे दर्शन नहीं मिला क्योंकि शाम हो गई थी, तो मंदिर बंद हो चुका था। वहाँ पे एंटीजन टेस्ट करके आपके अंदर जाना पड़ा। हालांकि मेरे पास अभी भी PCR रिपोर्ट है, लेकिन फिर भी चाहेंगे वहाँ पे एक एंटीजन फंक्शन टेस्ट कर लूँ, पता नहीं, देखते क्या होता है। मैंने बैक टू बैक दो PCR रिपोर्ट करवाए थे, सो आई गॉट द कूपन वेरी इजीली। मुझे अलग से कहीं पे भी एंटीजन टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अभी मैं हूँ कामाख्या टेम्पल के सीढ़ियों पे। सो कामाख्या इज़ वन ऑफ द होली प्लेसेस इन इंडिया अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी। शिवा बिकेम वेरी एंग्री एंड बिकॉज ऑफ हिम द होल यूनिवर्स वॉज शैटरिंग। सो वॉट नारायण डिड, he used his chakra and made 51 pieces of Devi Sati, and it is believed that the genitalia of Devi Sati dropped here and so this place was built. Nahi puja nahi karenge, thoda kuch leke jaiye, dhoop deep agarbatti ₹10। इसमें क्या है? शुभ है, बेलपत्ता फूल शुम्बर है जी, कमल फूल दीजिए। नहीं इतना नहीं चाहिए, नया है। सब नीच है, सब मंदिर जाएगा तो फूल दे दीजिए, एक अगरबत्ती दे दीजिए। सब नीच है, ₹10। माला लगा के दीजिए। कमल का फूल से भी पूजा होता है। बढ़िया, रख के हाथ धो के आइए। तो यहाँ पे एक दुकान वाले ने मुझे रोक लिया। सो दे आर सेइंग कि यहाँ से फूल ले लो, अगरबत्ती ले लो, मुझे पूजा तो नहीं करना है, बट टेम्पल में आए हैं और इतना होली प्लेस है, अगरबत्ती और फूल तो चढ़ा ही सकते हैं। तो यहाँ पे जूता रख के हाथ धो के हम जाएंगे। तो ₹10 के फूल, अगरबत्ती और एक कूपन, हम तो चले। एक मीठा देता है भैया? नहीं, एक ही चीज़ दीजिए। मीठा मीठा, इतना मीठा नहीं। ये 50 का है, ये 100 का है। छोटा पानी का बोतल दीजिए। This is such a divine feeling. After many years, I have been to Guwahati so many times, but I have never visited this place. It is believed that until unless the divine power attracts you, otherwise you cannot come. तो सैनिटाइजर की बारिश हुई, आपने देखा लेंस पे गिरा, डर लग रहा था थोड़ा अंदर ना चला जाए। कामाख्या इज ए वर्जन ऑफ देवी काली एंड काली इज ऑल्सो अनदर वर्जन ऑफ देवी सती। सो दैट 51 पीसेस, देर आर सम ऑफ देम बिकेम द ज्योतिर्लिंग ऑफ शिवा एंड सम ऑफ देम बिकेम द अदर दोज होली प्लेसेस। एंड देर इज अ ब्यूटिफुल लेक हियर। लगता है पानी थोड़ा कम है, लेकिन ये काफ़ी सुंदर लग रहा है मुझे।
एंड भीड़ इतना कम है कोविड की वजह से, तो मुझे आराम से घूमने का मौका मिल रहा है। ये तो बहुत ही सुंदर है, मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा सुंदर है ये। मैं निकल चुका हूँ मंदिर के गर्भ से, अंदर पूजा किया, अंदर बहुत सारे पुजारी हैं। ये है मंदिर का प्रेमाइजेस दोस्तों। मेरे पीछे जो पूरा डोम है कामाख्या का, वो आप देख सकते हो। इसका एक हिस्ट्री मैं बहुत ब्रीफली आपको बताता हूँ। एक्चुअली कामाख्या गॉडेस काली का ही एक रूप है, और गॉडेस काली जो शिव के पत्नी है सती, उनका ही एक वर्जन है। क्या हुआ था कि सती के फादर थे दक्ष, तो वो शिव को पसंद नहीं करते थे। जब शिव के साथ सती की शादी हुई, तो एक बार एक यज्ञ का अरेंजमेंट हुआ था। उस यज्ञ में सती के पिता दक्ष ने शिव का बहुत अपमान किया था, तो सती को ये अच्छा नहीं लगा, और इसलिए सती ने अपने प्राणों की आहुति दे दी उसी यज्ञ में। उसके बाद शिव बहुत गुस्सा हुए, वो तांडव में लग गए। शिव के तांडव के कारण बहुत देव देवी वहाँ पे कोई भी रह नहीं पाते थे। तब विष्णु जो थे, नारायण जो थे, उन्होंने क्या किया कि अपने चक्र से सती का जो डेड बॉडी था, कॉर्प्स था, एक्चुअली शिव वही कॉर्प्स लेके तांडव कर रहे थे। तो नारायण ने उस कॉर्प्स को, सती के बॉडी को 51 पीसेस में डिवाइड कर दिया अपने चक्र से। और अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी, इंडिया के अलग अलग जगहों पे वो 51 बॉडी पार्ट्स जाके गिरे। जैसे कि मेरे पीछे जो कामाख्या देख रहे हैं आप, यहाँ पे सती का जो योनि था, जेनिटलिया, वो गिरा था ऐसा माना जाता है। जहाँ जहाँ पे वो 51 पीसेस गिरे इंडिया में, वहाँ वहाँ पे शक्ति पीठ बनाए गए, वहाँ पे बड़े बड़े तीर्थ स्थान बनाए गए, वहाँ पे बड़े बड़े मंदिर बनाए गए। ये अमरनाथ बोलिए, अंबरनाथ बोलिए, हाँ केदारनाथ बोलिए, भीमाशंकर बोलिए, या फिर नॉर्थ ईस्ट में हमारा कामाख्या बोलिए, या त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बोलिए, अलग अलग पार्ट्स यहाँ पे योनि गिरा था, तो यहाँ पे कामाख्या टेम्पल बना। बहुत सालों पहले कुछ फॉरेन इन्वेडर्स ने इस मंदिर को तोड़ दिया था। फिर कोच बिहार के जो एक राजा थे, राजा नारायण, उन्होंने 1665 में इसका रिबिल्ड किया था। उसके बाद से इसका कुछ रिबिल्ड नहीं हुआ है, वही स्टोन के स्ट्रक्चर से सेम है। इसका डोम भी बहुत बड़ा है, अभी भी सेम है। बहुत सारे कबूतर है और इन्होंने पकड़ लिया, अपने बच्चे को दिखाऊंगा। यहाँ पे लोग कबूतरों को पकड़ के हाथ में लेके खेल रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे कबूतर है। जो ये टेंपल के जो क्रिवेस है, पत्थर के बीच में ये लोग घर बसा के बैठे हैं, और यहाँ पे इनको बहुत सारा प्रसाद भी मिल जाता है खाने को। यहाँ पे डेरा डाल के बैठे एकदम। यहाँ चारों तरफ बस कबूतर ही कबूतर है। और ये जो स्टोन है जिसपे मैं खड़ा हूँ, बहुत पुराने स्टोन है, तो इसमें ठंडक बहुत ज़्यादा होती है। ये ना हीट को डिसिपेट करते हैं। जहाँ भी पुराने मंदिर बने हैं, मैं जहाँ पे भी गया हूँ, पुराने मंदिर जहाँ पर भी बने हैं, हीट डिसिपेटिंग पत्थर होते हैं। पुराने टाइम में जो साइंस था इंडिया का, वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। अभी थोड़ा रिनोवेशन का काम चल रहा है ऊपर, ये बेम्बू वगैरह लगे हुए हैं। और ये आर्ट वर्क आप देख सकते हैं, जो खुदाई करके बनाए थे पुराने दिन से, छेनी हथौड़े हाथ से खुदाई करके ये सारे स्ट्रक्चर्स। मैंने ऊपर से जो दिखाया था आपको, वो पॉन्ड छोटा सा, ये वही है। यहाँ पे तो पानी बहुत ठंडा लग रहा है मुझे। जी हाँ, पानी काफ़ी ठंडा है, काफ़ी सूदिंग है। ये बोलते तो मच्छी बहुत बढ़िया है। मच्छी बढ़िया है, ये क्या लेके खाते हैं लोग? हाँ ये लोग खाता नहीं, इधर पालने के लिए रखता है वो। आई फाउंड दिस अमेजिंग कपल फ्रॉम आसाम एक्चुअली, एंड ही इज अ पर्सन इन डिफेंस। ही is here with his wife and she is suffering from endometriosis and infertility, but they are going to get a treatment soon. Let's hope and pray that they get a baby very soon. Thank you, sir.
यहाँ पे अलग अलग देवता के मूर्ति भी है, विश्वकर्मा के मूर्ति है, और यहाँ पे आई थिंक लोगों ने विश किया है, पूजा किया है, तो यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे घंटियाँ लगे हुए हैं। अम्बाबूची का जो मेला होता है और दिवाली होता है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, इतना ज़्यादा भीड़ होता है कि आपको दर्शन के लिए ऑलमोस्ट एक दिन पूरा लग ही जाएगा। थोड़ा उन स्टेयर्स में जाके बैठते हैं। यहाँ पे चारों तरफ बर्ड के शीट्स है, और इतना ज़्यादा है कि हर कदम पे शीट के ऊपर ही मैं कदम रख रहा हूँ। दैट इज़ वेरी कॉमन इन एनी काइंड ऑफ प्लेसेस लाइक दिस। सो लेट्स सिट हियर फॉर सम टाइम। यहाँ पे अभी भी रेगुलर बेसिस पे हर रोज़ जो वो गोट दिखाया मैंने, ऐसे गोट्स के बलि चढ़ाए जाते हैं। मैं इन चीज़ों को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता हूँ, बट ऐसे रिचुअल्स कई जगह पे आज भी प्रचलन में है। और ये गोट बोलते बोलते देखिए, ये गोट तो मेरे पास ही आने लगा। मेरे पास खाना नहीं है भाई, प्रसाद है, मत आओ। अरे अरे अरे, ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है। मेरे पास खाना नहीं है, प्रसाद है, प्रसाद है बेटा, ये अगरबत्ती है। इतने नीचे से ऊपर आ गया, कम से कम ये 10-15 मीटर ऊंचा है, इतने ऊपर तक आ गया ये। ये तो पीछे ही पड़ गया। चलो भाई हम निकल लेते हैं, इसके पहले कि गोट बाबा जी हमारा कोर्ट मार्शल यहीं पे कर दे। चलो भाई। यही है वो बलिघर जहाँ पे गोट्स की सेक्रीफाइस की जाते हैं, माँ के नाम पे गोट्स को चढ़ाया जाता है। हर रोज़ होता है, हर रोज़ बलि चढ़ाया जाता है। हर रोज़ कितने बलि चढ़ाए जाते हैं? 100-150 हर दिन का, 100-200 बलि चढ़ाए जाते हैं यहाँ पे हर रोज़। फिर उनका क्या होता है गोट्स का? ले जाता है लोग, प्रसाद समझ कर जाता है, और जो हेड होता है, हेड पार्ट अंदर जाता है, मंदिर में जाता है, पूजा होता है, फिर उनको बाहर फेंक देते हैं ऐसे। तो जो बॉडी होता है उसको क्या लोग खाते हैं? फिर प्रसाद समझ के खाते हैं। फिर सिर्फ बकरी नहीं, यहाँ पे जो बफेलो होता है, सांड होता है, उसका भी बलि चढ़ाया जाता है। दोस्तों मंदिर घूम लिए, पूजा हो गया, प्रसाद भी चढ़ा दिया, और काफ़ी सारे जगह देख भी लिए। अंदर का जो पोर्शन है वहाँ पे फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड है, तो मैं अंदर का पार्ट आपको नहीं दिखा पाया, लेकिन यहाँ पे जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी पोलाइट है। दोस्तों मुझे मेरा स्कूल फ्रेंड मिल गया यहाँ पे बहुत सालों बाद। कितने सालों बाद मिल रहे भाई? और 7-8 साल हो गए। 7 अनंत है। हाय, बहुत मज़ा लगा देख के, और इसका भी चैनल है अनंत कर नाम का, इसको सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। थैंक यू, उसको भी चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर। So it was a very very wonderful trip. Subscribe कीजिएगा, like कीजिएगा वीडियो को।